देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है कि महाराष्ट्र जो एक बड़ा राज्य है जो भारत की राजनीति के अंदर अपना अहम स्थान रखता है, उस महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से नहीं एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। और आप देखिए कि वहाँ किस प्रकार एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बना रही है। तो मैं जो हमारे महाराष्ट्र के वासी हैं उनको, जो सम्मानित मतदाता है उनको, और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो कार्यकर्ता है जिनकी मेहनत और लगन से ये जीत हासिल हुई है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और आज यहाँ कैथल में नहीं, हरियाणा में नहीं, पूरे देश में आज ये जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपना एक अलग स्थान रखता है। और वहाँ जो गठबंधन के रूप में जो विपक्षी दल सारे थे उन सारों को इतनी बुरी तरह से लोगों ने हराने का काम किया है। और महाराष्ट्र की जनता ने यह साबित कर दिया कि मोदी जी के नेतृत्व पर आज भी जो लोग हैं वो भरोसा कर रहे हैं। कैथल से कांग्रेस के बड़े नेता मतलब स्टार प्रचारक के तौर पर महाराष्ट्र में गए थे और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हुई है। देखिए सुरजेवाला साहब तो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। मैं तो ये कहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं क्योंकि जहाँ जहाँ वो जाते हैं वो कांग्रेस को हराने का काम करते हैं। और सुरजेवाला साहब तो इतने, मैं कहूँगा कि आप उन्हें बड़े नेता कहते हो, अगर वो इतने बड़े होते तो हरियाणा से चुनाव लड़ते, किसी विधानसभा से चुनाव लड़ते। कैथल से चलो उनको डर लगता था और किसी विधानसभा से लड़ लेते, लेकिन उन्होंने छोड़कर राज्यसभा में भी राजस्थान से गए हैं। देखिए कि निरंतर जैसे पहले हरियाणा की जीत पर, महाराष्ट्र की जीत पर, आगे भी आगे चुनाव होते रहेंगे, इसी प्रकार ये जश्न आगे भी जारी रहेगा। देखिए दिन प्रतिदिन निरंतर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है। किसी भी राज्य के चुनाव की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार सभी राज्यों के अंदर बना रही है और ये मोदी जी का मैजिक है। मोदी जी के नेतृत्व को पूरा देश पसंद कर रहा है और आप देख रहे हो कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और नतीजे आने से पहले हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और उन्होंने जब शपथ ली और शपथ लेने के पश्चात जैसे ही महाराष्ट्र के चुनाव डिक्लेयर हुए तो महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर भी हमारे बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी स्टार प्रचारक के रूप में वहाँ प्रचार करने के लिए गए थे और उस प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर भी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और महायुति जीतेगी। और आज आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व है जिनको पूरा देश आज पसंद कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आप आगे आगे भी देखेंगे जहां जहां जिस स्टेट में चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और आज बहुत खुशी का एक माहौल है कि आज पूरे देश का जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रदेशों के अंदर सरकार बन रही है। और हम सब हरियाणा वासियों के लिए एक बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात है कि जिस प्रकार से आज हम महाराष्ट्र की जीत की खुशी मना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से एक महापूर्व हरियाणा प्रदेश की जो सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बनी थी तो पूरे देश के अंदर लड्डू बंटे थे, जलेबियाँ बंटी थी। तो आज भी हमने यहाँ जिला कार्यालय में हमारे जिला अध्यक्ष श्री मुनीश कफाड़ के नेतृत्व में यहाँ पर लड्डू बांट करके, जलेबी बांट करके और ढोल नगाड़ों के साथ आज महाराष्ट्र की जीत की खुशी मनाने का काम हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। आज आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता नहीं पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ की खुशी को मना रहा है
कि हमारे मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति थी उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान ने एक मोहर लगाई है कि जो कार्य हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, पूरी जनता के लिए जो किया है, आज उसका श्रेय जो है वो आपके सामने है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी अभी अभी जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा कि हमारे पहले माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने यहाँ पे पूर्णतः रूप से काम किया, और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के संभालने के बाद वर्करों में और जोश बढ़ा, और उन्होंने उस ढंग से काम करके दिखाया कि पूरा हरियाणा प्रदेश जो चीज़ को सोच रहा था उससे भी कहीं आगे लेके जाने का काम किया। और आज हरियाणा प्रदेश के जीतने के बाद पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया था कि अब जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होगा वहाँ वहाँ पे भी जो है पब्लिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के जीत निश्चित करेगी। महाराष्ट्र की जीत की सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, और जो महाराष्ट्र की जीत मिली है और दो तिहाई बहुमत से जीत मिली है नरेंद्र मोदी की नीतियों में भारत ने विश्वास किया है, और जो कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी चला रहे हैं और जो नायब सैनी जी हरियाणा में चला रहे हैं उसका पूरा पूरा लोगों ने समर्थन दिया है। और हमें पूर्ण आशा है आने वाले चुनाव में दिल्ली विजय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और दिल्ली विजय भी हमारे पास बहुत नज़दीक है। अगला चुनाव दिल्ली विजय, तो दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है। पहले तो हम सभी महाराष्ट्रवासियों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का काम किया है। रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश में भी गया था, वहाँ भी हरा करके आ गया था, और अब इसकी ड्यूटी यहाँ लगाई थी इसमें महाराष्ट्र में, वहाँ भी पटड़ा फेरिया है इस पर कांग्रेस पे। जहाँ जहाँ संतन के पैर पड़े उठे बंटादार, ठीक है नी जी, इस तो यूए काम करना इसने तो प्रचारक बनाया, इतना प्रचार प्रसार किया कैथल में भी, स्वाइड लाइन कर दिया वहाँ पर, स्टार प्रचारक बनाया दिया, आज जिम्मेवारी लेगा की भाई मेरी वजह से हुई है। राष्ट्रीय नेता कहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये तो कहते हैं बंदा में दम है नहीं, इस करके कह नहीं है, इसका दम छह बारी कह लिया बीजेपी ने। संजय साहब पूरे विधायक लीला राम जी कह रहे हैं सुरजेवाला बहुत जल्दी भाजपा का सदस्यता ले सकते हैं। भाई वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, नहीं भाई सदस्यता देने नहीं, वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो हमारा काम नहीं है भाई, स्वागत कर लेंगे इसके, उसमें वो करेंगे। जय श्री राम। महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत, महाराष्ट्र की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, और मोदी जी की नीतियों की जीत है। उन्होंने जो नीतियां बनाई उससे देश के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिला है, और उस लाभ का उत्तर महाराष्ट्र की जनता ने वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देकर जिताया है, और बताया है कि अगर सेवा करोगे तो मेवा खाओगे, अगर सेवा नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। ये यही भारतीय जनता पार्टी खूबसूरती है कि जीत महाराष्ट्र में हुई है, और आज हम कैथल के कपिल कमल के अंदर हमारे जिलाध्यक्ष मुनीष कठवाड़ जी और पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे अशोक गुर्जर जी के नेतृत्व में यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जहाँ जहाँ मोदी जी के हाथों को मजबूती मिलती है, और मेरा मानना है कि विश्व के अंदर या भारत के अंदर स्पेशली अगर बात करूँ, जहाँ भी गरीब आदमी बैठा है वो जब देखता है कि मोदी जी के हाथों को मजबूती मिल रही है तो उसके मान सम्मान और उसके जो अधिकार हैं और जो मोदी जी गारंटियां उनको मजबूती मिलती है, कहीं ना कहीं उसके जो उसने जो सपना लिया है जो मोदी जी के देश का जो भारत, मोदी जी सपनों का जो भारत होगा उसको मजबूती मिलती है, और उस गरीब आदमी के, उस पिछड़ों के अधिकारों को और मजबूती के साथ हम इस भारत के अंदर सशक्त रूप से आगे बढ़ने का काम करेंगे। और ये मोदी जी का जादू है जो महाराष्ट्र में चला है, और दिल्ली भी अभी दूर नहीं है, और मैं पूर्णतः विश्वास दिखाता हूँ आपको कि आने वाले चुनाव के अंदर हम दिल्ली अंदर बहुमत हासिल करें। मान्यवर देखिए, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया।